हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकरी बाइट्स। समर और खाने की टेबल में पिकल ना हो तो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए आज पिकल ही बनाएंगे आम का। आम का वैसे तो मैंने रेसिपी डाली हुई है, वो तो सिंपल है जैसे नॉर्थ में होता है, लेकिन आज साउथ का बहुत ही बढ़िया वो बनता है। वैसे अगर मार्केट से लाते हो तो बहुत तीखा मिलेगा आपको, मिर्ची और ऑयल बहुत ज़्यादा होगा तो। लेकिन घर पर बनाइए, सिंपल सी रेसिपी है। चलिए करते हैं शुरू आज साउथ इंडियन पिकल मैंगो। ये सॉल्ट ले रही हूँ 50 ग्राम्स, और मेथी दाना आप जैसे 2 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। अब इनको भी हम भुनेंगे। और ये राई मस्टर्ड सीड्स, ये लाइट वेट होती है काफ़ी, तो ये भी इतने ही चलेंगी। और ये मैंने गार्लिक का पाउडर बनाया हुआ है, वो डाल रही हूँ 1 स्पून। जीरा, इसको भी ब्लेंड करेंगे, एंड रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप देख सकते हैं कि कितना चाहिए आपको। ये कच्चे आम 1/2 kg ले रही हूँ, इनको मैंने वॉश कर लिया है। अब इनकी कटिंग करेंगे छोटी छोटी। अभी हम इन आम को ऐसे नाइफ से कट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनका जो अंदर वाला बीज है वो ज़्यादा पका नहीं है, तो उसको हम अलग कर देंगे और छोटी छोटी कटिंग करते जाएंगे। इससे ना जो सारे मसाले होंगे वो अच्छे से मिल जाएंगे, आपस में लिपट जाएंगे बिल्कुल, तो उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगेगा, एक खटास और एक मसालों का टेस्ट। तो इसलिए छोटी छोटी कटिंग ही करनी है हमने। अब इन मैंगोज में सॉल्ट ऐड कर देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर इसको छोड़ देंगे तो ये पानी छोड़ देगा। जैसे पानी छोड़ता है तो तेल भी कम पड़ता है, तो ये हेल्प मिलती है इससे। और इतने हम मसाले तैयार करते हैं। अब हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें मेथी दाने को सेक लेना है और अच्छे से चलाते रहना है इसको, ताकि जले नहीं, इसका कलर गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, बस अब इसको ठंडा करके हम ब्लेंड कर लेंगे। अब हम पैन में सिसमी ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। गरम होने के साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे मस्टर्ड सीड्स, उनको सेक लेना है। अब जैसे ये चटकने लग गए हैं तो गैस को ज्यादा देर तक नहीं हम रखेंगे ऑन, इसको ऑफ कर देंगे गैस को, क्योंकि बर्तन गर्म रहता है तो ये और सिक जाएंगे। ये राई अच्छे से सिक गई है। अब हम आम में मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने मेथी, इसको भी बारीक पीस लिया, और साथ ही जीरा, ये भी पीस लिया था बारीक। इसका फ्लेवर तभी आता है चीजों का अगर आप ब्लेंड करके ही डालेंगे। ये देखिए नीचे ना जो पानी छोड़ दिया है उसमें सॉल्ट ने, ये भी इसको हेल्प करता है सेव करने की। इससे अचार खराब नहीं होते, इसका कभी निकालना नहीं चाहिए। अब इसको और डालेंगे हम रेड चिली पाउडर, अभी 1/2 स्पून ही डालेंगे, साथ ही गार्लिक पाउडर, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम छौंक लगी राई भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है।
जैसे ये राई के बाद थोड़ा लग रहा है कि इसमें रेड चिली और होनी चाहिए, तो डाल ही देते हैं। मैंने वैसे सेव कर ली थी लेकिन चलेगी। और इसको भी अच्छे से मिक्स करके फिर हम साफ से जार में फिल कर देंगे सारे अचार को। अब हम अचार को जार में शिफ्ट कर देंगे। और लास्ट में जो थोड़ा मसाला रह गया है उसको हम सिरके से वॉश करके जार में ही फिल कर देंगे। और इसको अच्छे से टाइट बंद करके आप अंदर ही रख सकते हैं, कोई धूप दिखाने की भी जरूरत नहीं है, थोड़े दिन लगेंगे और तैयार हो जाएगा। ये पिकल मलयालम तो है लेकिन अपने स्टाइल में भी बना सकते हैं, थोड़े मसाले कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा, आप इंजॉय करोगे इस रेसिपी को। टिपिकल तो नहीं लेकिन अपने स्टाइल से बनाया है, कोशिश की, बहुत बढ़िया बनाया है, आप इंजॉय करेंगे। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद है देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।